यहाँ के राजदूत वेणु राजमणि जी, मृणालिनी जी, कौशिक जी, अन्य सभी भारतीय और भारत और हरियाणा में रुचि रखने वाले सभी माननीय उपस्थित यहाँ पर बुद्ध जन हैं। His Excellency the Ambassador India, all the other senior officials and all the members of the diaspora and the intellectual intelligentsia which has gathered here having an interest in India. मेरे साथ पधारे मेरे विधायक बख्शी सिंह जी, विर्क बलवंत सिंह जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरीगेशन अनुराग रस्तोगी जी, एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभिलेख लेखी जी, मनदीप राड जी एंड डेलीगेशन के अभी अन्य सभी माननीय सदस्य accompanying me are my fellow legislators Mr. Virk, Mr. Balwant Singh and Principal Secretary Irrigation Mr. Anurag Rastogi, Mr. Likhi, Mr. Mandeep Rad and other members of the delegation. कल से हम नीदरलैंड में हैं और मन से तो कई दिनों से हैं. We are physically there present in Netherlands since yesterday. But we have been thinking of Netherlands since a long time. हमारी निगाह नीदरलैंड के फूलों पर है. Our eyes or our vision is firmly there, or we have been eyeing the flowers of Netherlands since a long time. कल हमने विवेकानंद जैन यूनिवर्सिटी फूड वैली को विजिट किया है और आज सुबह हमने रॉयल फ्लोरा हॉलैंड अल्समीर फूलों की मंडी को विजिट किया है. Yesterday we visited the Wageningen University, the Food Valley Institute, and in the morning we went to the flower market at अल्समीर. हरियाणा छोटा है लेकिन नीदरलैंड के बराबर है. हरियाणा इज अ स्मॉल स्टेट ऑफ इंडिया but is equivalent in size to Netherlands. बहुत सारी चीजें नीदरलैंड के साथ हम करना चाहते हैं. केवल हम इच्छुक हैं ऐसा नहीं है, नीदरलैंड भी उसका इच्छुक है. बार बार नीदरलैंड की एम्बेसी और इस टूर से पहले ही नीदरलैंड के भारत में एम्बेसडर अल्फांसो उन्होंने और उनके अन्य अधिकारियों ने पिछले एक वर्ष से भी ज़्यादा समय में अनेक बार मिस्टर आरजो एंड दूसरे सदस्यों ने ऐसे मुलाकात की है और उस मुलाकात के परिणाम स्वरूप हमारे भी दो डेलीगेशन, एक हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर और एक हमारे वाइस चांसलर और हमारे मार्केटिंग बोर्ड के दो सदस्य इससे पहले दौरा करके गए हैं. Haryana has a lot of interest in Netherlands, but this interest is not one way. Even Netherlands has a lot of interest in Haryana. In the run-up to this visit, there has been a lot of interaction with His Excellency the Ambassador of Netherlands to India, and two teams from Haryana have visited Netherlands earlier also. Netherlands. माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा के समय नीदरलैंड की भारतीय एम्बेसी भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि कुछ मिलकर साथ काम करने के अवसर बढ़ें, कुछ नए एमओयू उस मौके पर साइन हों. ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड टू इंडिया इट इज द एंडेवर एंड इंटेंशन ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया एंड ऑल कंसर्न्ड that the visit is very fruitful and new vistas of partnership and MOUs are signed during that the visit of the Honorable Prime Minister of Netherlands to India. कुछ क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया है और कुछ क्षेत्रों पर प्रारंभिक काम शुरू भी हुआ है. We have identified a few core areas and in some of the areas preliminary work has already been undertaken. विवेकानंद जैन विश्वविद्यालय के साथ यूनिवर्सिटी के साथ हमारा प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के बारे में काम, हमारी जो हरियाणा की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल है उसके साथ एक प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है जिसमें प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस के बारे में दोनों मिलकर काम करें.
Already, Wageningen University and the Horticulture University of Haryana are working together on protective agriculture. इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी करनाल में उसके साथ भी एक बायोमास मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो है लगभग 30 करोड़ की लागत जिस पे आएगी उस पर भी काम हमारा आगे बढ़ा है. There is a second project regarding biomass management worth 30 crores with the Haryana Agriculture University Hisar, which is also underway. हम चाहते हैं कि हम और नीदरलैंड हरियाणा और नीदरलैंड फूलों की खेती के आगे बढ़ाने में मिलकर काम करें और हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भी एक हॉर्टिकल्चर फ्लोराकल्चर का एक एक्सीलेंसी सेंटर हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जज्जर में जिसकी शुरुआत हम कर चुके हैं उसमें भी हम चाहते हैं कि नीदरलैंड का हमको सहयोग मिले. वी वॉन्ट हरियाणा एंड नीदरलैंड्स टू वर्क टुगेदर इन the field of flower cultivation. We are also desirous that an excellence center be developed in Haryana. Already there are centers working in Gajar. We are looking forward to increasing our area of increasing our cooperation in this area further. Ek phoolon ki mandi bhi Haryana Gurgaon mein viksit karna chahta hai aur yahan ki jo Royal Flora Holland मंडी है उसके कोऑपरेशन से उसकी प्रैक्टिसेस से उसकी टेक्निक से हमको लाभ मिले तो उसके साथ भी सहयोग चाहते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं. वी आर वेरी सून गोइंग टू सेट अप अ न्यू फ्लावर मार्केट इन गुरुग्राम जस्ट राइट नेक्स्ट टू दिल्ली. वी आर डिजायरस दैट द फ्लावर मार्केट ऑफ नेदरलैंड्स एंड द नेदरलैंड गवर्नमेंट कोलैबोरेट्स इन दैट प्रोजेक्ट टू मेक इट इवन मोर प्रोफेशनल एंड बेटर. नीदरलैंड की जो एग्रीकल्चर है वो एक तरह से अर्बन एग्रीकल्चर है या अर्बन नीड्स डिमांड्स के लिए पैरी अर्बन एग्रीकल्चर इनको कह सकते हैं. हरियाणा जैसे अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि फूड ग्रेन्स में हम बहुत आगे हैं लेकिन अब हम पैरी अर्बन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना चाहते हैं और पैरी अर्बन एग्रीकल्चर के लिए जितने प्रैक्टिस चाहिए जो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट चाहिए उस सब के लिए भी हम नीदरलैंड के साथ काम करना चाह रहे हैं. नीदरलैंड्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पेरी अर्बन एग्रीकल्चर. हरियाणा एज यू सॉ इन द डॉक्यूमेंट्री हैज ट्रेडिशनली बीन डूइंग वेरी वेल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बट नाउ वी आर मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स इवन इन द फील्ड ऑफ पेरी अर्बन एग्रीकल्चर एंड वी वॉन्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड इवन थिंग्स लाइक एंड इम्प्रूव थिंग्स लाइक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. हम चाहते हैं कि जिन विषयों पर नीदरलैंड के साथ प्रधानमंत्री जी की यात्रा के समय एमओयू हो मुझे लगता है कि यहाँ की एम्बेसी भी हमारा काम करेगी तो पेरी अर्बन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक होल्डाल एमओयू साइन हो साथ ही फूलों की मंडी और फ्लोरिकल्चर के लिए इस रास्ते पर हम आगे बढ़ें. इन तीनों पर हम विशेष तौर से चाहते हैं कि कुछ कंक्रीट योजनाएँ दोनों देशों के साथ बने और आपसी सहयोग से हम आगे बढ़ सकें. The embassy also facilitates signing of MOUs and moving forward in the area of floriculture, etc., as delineated by the Honorable Agriculture Minister during the visit of the Honorable Prime Minister of Netherlands in the next month. यहाँ अभी मेरे परिचय में बताया कि कुछ मित्र जो है वो सीमेंट के लिए भी हरियाणा में कुछ रास्ते तलाश रहे हैं. हमको ज़रूरत है सेक्स्ट सीमेंट की बहुत एक बड़ी राशि हमने बजट में इसके लिए अलोकेट की है और जितने हमारे यहाँ जो जर्सी या एचएफ नस्ल की जो गायें हैं वो लगभग 9 लाख की संख्या है उसके लिए हमको सेक्स्ट सीमेंट की आवश्यकता है. अगर उनके पास इस तरह की कोई चीज़ है तो हम उनका स्वागत करेंगे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इवन इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड रिक्वायर ऑफ सीमेंट एंड देयरफॉर इफ those who are seated here can actually collaborate in that field, it would be a very welcome opportunity. वैसे हरियाणा में 36 लाख दुधारू पशु हैं, 2 करोड़ 40 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन हम उत्पादन करते हैं. We have 36 lakh ill-giving animals in Haryana and about 2.5 lakh
2 crore 46 lakh is a per day are being produced. और जैसा आपने देखा कि मुर्रा के बारे में दुनिया में हम सबसे अच्छे हैं मुर्रा नस्ल में और हमारे उनके भैंसों की जो कीमत है वो 9 करोड़ तक भी है. The Murra species of buffalo in Haryana is world renowned and some of them are valued as much as 9 to 10 crores also. Poultry और inland fishing में भी हम काफी रीच में काफी आगे हैं और इसमें और भी आगे अभी जो है जाने की योजनाएं हैं तो काफी बजट इन दोनों पर खर्च कर रहे हैं जिससे तेजी के साथ हम जो हमारे एनसीआर का बड़ा मार्केट है उसकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं. वी आर मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स इवन इन द फील्ड ऑफ